हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखा था, प्रीमियम आरएसआई स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय विवेक बजाज, अपने यूट्यूब चैनल पे हमने डाला था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर सिंगल इंडिकेटर स्ट्रेटजी, जहाँ हम फेमस इंडिकेटर्स को बैक टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो ऑन देयर ओन हाउ गुड दे आर। आज जो इंडिकेटर हम देखने वाले हैं वो एक फेमस इंडिकेटर है जो बिग इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। वीवेब स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वीवेब एक टेक्निकल इंडिकेटर है जो स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए ही यूज किया जाता है। इसको आप एक बेंचमार्क टूल मान सकते हो, जिससे आपको कोई भी सिक्योरिटीज का एवरेज प्राइस पता चल जाता है पूरे दिन में क्या रहेगा। इसमें बोथ प्राइस और वॉल्यूम दोनों कंसीडर्ड रहता है। बेसिक डेफिनेशन बोले तो द वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस दैट इज वीवेब इज अ मेजरमेंट दैट शोज द एवरेज प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी एडजस्टेड फॉर इट्स वॉल्यूम। दिस इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ट्रेडिंग सेशन बाय टेकिंग द प्राइस वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज एंड डिवाइडिंग इट बाय वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स। बेसिक फॉर्मूला ऑफ वीवेब इज क्यूमुलेटिव टाइप प्राइस into volume divided by cumulative volumes. VWAP gives trader a smoothed out indication of a security price over time. It is used by institutional traders to ensure that their trades do not move the price of the security that they are trying to buy or sell too extremely. अब सवाल ये है, VWAP कैसे use करते हैं? VWAP को traders different तरीके से use करते हैं। कोई VWAP को trend confirmation के लिए use करते हैं और उसके हिसाब से trading rules बनाते हैं। For example, कोई ऐसा सोचता है, अगर price VWAP के ऊपर है तो ओवर वैल्यूड है और नीचे है तो अंडर वैल्यूड है, या फिर अगर प्राइस वीवेप के ऊपर क्लोज होता है तो लॉन्ग एंट्री लेना है और वीवेप के नीचे प्राइस क्लोज होता है तो शॉर्ट एंट्री लेना है। इंस्टीट्यूशन बायर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स वीवेप को एक सर्टेन स्टॉक्स में एंट्री लेने या एग्जिट लेने के लिए यूज करते हैं और वीवेप के हेल्प से मार्केट प्राइस में जितना कम इम्पैक्ट ला सकते हैं उतना लाते हैं। इसलिए इंस्टीट्यूशन वीवेप के ऊपर सेल करते हैं और वीवेप के नीचे बाय करते हैं, इससे प्राइस वापस अपने एवरेज प्राइस की तरफ आ जाता है। आप वीवेप को एक सिंपल मूविंग एवरेज के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। ओनली डिफरेंस ये है कि वीवेप में हम प्राइस के साथ वॉल्यूम डेटा भी देखते हैं। एज ऑलवेज वी विल यूज अ 200 EMA टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम वीवेप इंडिकेटर के स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 के इन चार स्टॉक्स में, और इन्हें अपने वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया गया ताकि ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट कर सके और हमें आइडिया है कि ये इंडियन मार्केट में कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First, let's set the time frame to 15 minutes, then add 200 EMA to the chart. Next, we will add VWAP. अभी settings में style में जाके upper और lower band and tick करेंगे. That's it. चलिए अब rules for buy entry देखते हैं. First condition is close price should be about 200 EMA. Okay. Second is candle should open below VWAP and close above VWAP. Basically आपका VWAP price आपके VWAP को crossover करना चाहिए. Entry would be at the close of the candle. Stop loss would be below the previous swing low. Our target 1.5 times the risk. So let's see another example here. Candle opened below VWAP and closed above VWAP and price is about 200 EMA. We are going to take a long trade on this candle when it closes. So we would buy here, set our stop loss to the nearest swing low, and then we are aiming for 1.5 times the risk reward ratio. So this trade was a winner. I hope ye clear hai. Chaliye ab rules for sell entry dekhte hain. Close price should be below 200 EMA. Candle should open above VWAP and close below VWAP. Entry should be close of the candle. Stop loss will be the previous swing high. So target 1.5 times the risk. So yaha dekhiye, here price is below 200 EMA. Candle opened above VWAP and closed below VWAP. We would set our stop loss to the nearest swing high and the target is 1.5 times the risk. So that's our setup. तो इस स्ट्रेटजी को चलिए 100 टाइम्स टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। I'll let you know the full result after the test. You can also see the test by slowing the playback speed in YouTube. Anyways, let's start the fast forwarding. Thank you.
सो द टेस्ट आर ओवर. जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 44 वॉज विन एंड 56 वॉज लॉस. सो विन रेट हुआ 44%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 10.25% और मैक्स ड्रॉडाउन -11.29%. कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 4 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 10. टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 0.756 मंथ. सो स्ट्रैटेजी इज टेक्निकली प्रॉफिटेबल, 10.25% गेन इन 0.756 मंथ्स. But the main concern is drawdown, which is -11.29%. This is among the few strategies whose max drawdown is more than the total gain. That's usually not a good sign. I would also not recommend using VWAP on its own. You should make a setup where it is more profitable. So I'll add this strategy in the Google Sheet, link in the description. And this takes the 19th position in the list. You can check the list and review or rewatch any specific strategy you like. So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification. And do like the video and share the video. अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो यूपीआई आईडी आपके स्क्रीन पे होगा. प्लीज कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोस में, ये भी जरूर बताना. आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रेटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो. ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. प्लीज फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट. मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे. सो सी यू नेक्स्ट टाइम.